नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा अरसोली चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप BSTC के साथ BA या BSc या फिर अन्य कोई डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप जानना चाहते हैं कि BSTC के साथ अन्य डिग्री कोर्स मान्य है या नहीं तो वीडियो को फटाक से कर दीजिए लाइक और कमेंट में लिख कर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि अगली वीडियो हम आपके कमेंट पर ही बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि BSTC के साथ क्या BA या BSc या फिर अन्य कोई डिग्री कोर्स करें तो क्या वह मान्य होगा अथवा नहीं, तथा क्या दोनों कोर्स नियमित रहकर कर सकते हैं या नहीं। इस संबंध में हम आपको प्रमाण सहित बतलाने वाले हैं, इसलिए संपूर्ण जानकारी को के लिए बने रहिए हमारे साथ। और यदि चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो शिक्षा व रोजगार संबंधी प्रत्येक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही दोस्तों, यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे। अब हम आपको लिए चलते हैं आज के विषय की तरफ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बहुत से परीक्षार्थियों के ये कमेंट भी आए हैं, कमेंट के द्वारा उनको द्वारा पूछा गया है कि क्या हम इस BSTC कोर्स के साथ में BA या फिर BSc या अन्य कोई स्नातक स्तरीय कोर्स कर सकते हैं या नहीं। काफ़ी परीक्षार्थियों के फ़ोन कॉल भी आए, इसी वजह से हमें आज ये वीडियो बनानी पड़ी। आपको क्लियर कर दें कि BSTC के साथ में अन्य डिग्री कोर्स करने के संबंध में सन 2015 में ही उपशासन सचिव महोदय का लेटर आ चुका है। आपको बता दें, यह बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी है कि हम BSTC कोर्स के साथ में अन्य डिग्री कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, उन्हीं के तहत हम यह कोर्स कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए यह वीडियो आपको अंत तक अवश्य देखना है। आपको बता दें, यह लेटर आपके सामने है जिसमें उपशासन सचिव महोदय से पूछा गया था, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन बीकानेर के द्वारा। आपको क्लियर कर दें, उपशासन सचिव महोदय के द्वारा 9 अप्रैल 2015 को यह लेटर वापस लिखा गया डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन राजस्थान बीकानेर को। इस लेटर में उपशासन सचिव महोदय के द्वारा डायरेक्टर साहब को ये स्पष्ट किया गया कि इनके द्वारा RTI में पूछा गया था कि BSTC कोर्स के साथ स्वयं पाठ्य के रूप में स्नातक डिग्री कर सकते हैं या नहीं, करें तो क्या वह मान्य होगी या नहीं। तो इनके इस पत्रांक के संदर्भ में, ये पत्रांक दे रखा है, इन्होंने लेटर लिखा था डायरेक्टर ने उपशासन सचिव को। तो डायरेक्टर को उपशासन सचिव ने ये लेटर लिखा है 9 अप्रैल को, और इस लेटर में हम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये आप देख सकते हैं, उपशासन सचिव ने जो लेटर लिखा है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन बीकानेर को, उपरोक्त विषय अंतर्गत BSTC कोर्स के साथ स्वयं पाठी के रूप में स्नातक डिग्री करने के संबंध में आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशन निवेदन है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों, ये लाइन थोड़ी ध्यान से देखनी है आपको, संस्थानों कहने करते हैं, यूनिवर्सिटी है वो एक नहीं होनी चाहिए, या फिर जो जिस इंस्टीट्यूट में अध्ययन कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट भी सेम नहीं होना चाहिए। दूसरी जो शर्त है, नियमित एवं मुक्त विश्वविद्यालय से स्वयं पाठी परीक्षार्थी के रूप में अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वयं पाठी, ध्यान देना, छात्र के रूप में अर्जित डिग्रियां डिप्लोमा मान्य है। अब हम आपको ये स्पष्ट समझा देते हैं कि ये इस लेटर की लैंग्वेज क्या है। इस लेटर की सीधी सी लैंग्वेज यही है कि एक सत्र में आप BSTC यदि कर रहे हैं तो BSTC के साथ में अन्य स्नातक स्तरीय डिग्री कोर्स कर सकते हैं, कहने करते हैं डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। BSTC आपका डिप्लोमा है, इस डिप्लोमे के साथ दूसरा डिप्लोमा नहीं कर सकते, कोई भी डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं। शर्त यह है कि जब आप इस डिग्री कोर्स को करें तो ये ध्यान रखें, जिस यूनिवर्सिटी से आप BSTC कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से आप डिग्री कोर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि
इसमें स्पष्ट लिखा है कि इंस्टीट्यूट और कॉलेज सेम नहीं होना चाहिए। अगली जो बात है, दोनों जो कोर्स हैं वो या तो नियमित नहीं हो सकते या स्वयं पाठी भी नहीं हो सकते। इसमें से एक कोर्स आपको नियमित होना होगा और दूसरे में आपको प्राइवेट या स्वयं पाठी होना होगा। अर्थात आप एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं, जिनमें एक डिग्री कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स। एक को आप नियमित रहकर करेंगे, दूसरे को आप स्वयं पाठी रहकर करेंगे। इनमें यूनिवर्सिटी की शर्त है, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट सेम नहीं होना चाहिए। ये इससे निष्कर्ष निकलने वाली बात है। तो आपके अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी है, आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेम नहीं होना चाहिए, दोनों डिग्री रेगुलर नहीं होनी चाहिए और विषय भी अलग अलग होने चाहिए। इस संदर्भ में हम आपको एक लेटर और दिखा देते हैं, जिसमें उपशासन सचिव महोदय से RPSC के सचिव ने पूछा था, जिसमें उस RTI के जवाब में सचिव RPSC राजस्थान लोक सेवा अजमेर को उपशासन सचिव महोदय ने लेटर लिखा। उस लेटर की कॉपी भी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों देखिए, ये सचिव हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, इनने पहले लेटर लिखा था RTI के तहत, ये सूचना मांगी थी। इस लेटर के जवाब में उपशासन सचिव महोदय ने इनको ये पत्र लिखा है कि प्राध्यापक राजनीति विज्ञान स्कूल शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में ये लेटर किसी ने RTI लगाई थी। उस RTI में क्या पूछा गया था वो दिखा देते। उपशासन सचिव महोदय ने सचिव RPSC को लिखा कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में दो अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग विषयों में नियमित एवं मुक्त विश्वविद्यालय से स्वयं पाठी परीक्षार्थी के रूप में अर्जित डिग्री और उपाधि मान्य है। सेम लैंग्वेज है इसमें भी, बिल्कुल इसमें भी स्पष्ट किया गया, आपको दिखा दें। दोनों यूनिवर्सिटी अलग अलग होनी चाहिए, नियमित नहीं होने चाहिए दोनों कोर्स, एक स्वयं पाठी और एक नियमित। तो दोस्तों इन दोनों लेटर्स के बाद में अब आपकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होगी कि क्या BSTC के साथ में अन्य डिग्री कोर्स मान्य है अथवा नहीं, या कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत से साथियों की कमेंट भी आई थी इस संबंध में, कई साथियों के फ़ोन कॉल भी आए थे, तो इनकी समस्या को देखते हुए यह वीडियो आज बनाना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों फिर भी इस विषय में आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अंत में दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत से दोस्तों के अभी भी वही कमेंट आ रहे हैं जिन पर हम वीडियो बना चुके हैं। इसका बड़ा कारण यही है कि आप वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं है। ये आपकी सुविधा के लिए ही है कि हम जब भी कोई वीडियो बनाएंगे अपलोड के तुरंत बाद आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। बार बार आप उसी बारे में कमेंट करते हैं जो वीडियो हम पहले बना चुके हैं। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।